साथियों, रात का समय है। अभी एक इंस्टीट्यूट है, बॉक्सिंग इंस्टीट्यूट, जिसका संचालन कुणाल राजपूत करते हैं। उनके द्वारा फ़ोन किया गया कि बच्चे बॉक्सिंग सीख रहे थे ग्राउंड में, और वहां पर एक कोबरा नाग आकर बैठ गया, पेड़ पे चढ़ा हुआ बता रहे हैं। जा रहा हूँ, देखूंगा कैसा है। आप ये देखिए कि सर्दी आ गई है, कल दिवाली ख़त्म हो गई, और बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि दिवाली का दीवा चाट के सांप जो है बाहर नहीं निकलता, परंतु आप ये मानिए कि ये सब कहावतें ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि जबकि कहावतें होंगी तब जंगल ज़्यादा थे, इंसान कम थे, आज इंसान ज़्यादा हो गया, जंगल कम हो गया, और इनका जो प्राकृतिक वास है वो इंसानी वास बन चुका है। तो ये भी कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे सर्दी में। और आप ये देखिए कि पेड़ पर कैसे चढ़ गया सांप, या तो वो नेवले से डर रहा होगा, क्योंकि सर्दी में सांप जो है धरती में जाना पसंद करता है, गर्म जगह में जाना पसंद करता है। अब जाकर देखूंगा कैसा है, कोशिश करेंगे उसको पकड़े उसके प्राकृतिक वास छोड़ने की। छेड़ा भाई, छेड़ा छेड़ा मत करो, छोड़ो ना भाई। सामने हाँ साथी, ये कोबरा कोबरा है, कोबरा चढ़ रहा है, और सर्दी हो रही है मेरे ख्याल से, ये नेवले से लड़ रहा होगा, तो चढ़ता नहीं है। लौटा है वो हनी कर का नौकरी करनी है फोन में, निकल जाओ, निकल जाओ, भाग जाओ, नहीं जाएगा, हम नहीं जा सकते। तो भैया आगे बुड्ढे बैग खोल अपना, बड़ा बड़ा बापा को दिखा दो जो गिफ्ट लाया मैं, गिफ्ट सरप्राइज बापा, सरप्राइज अंकल क्या है ये स्पेशल कोबरा है, 7-8 महीने का बच्चा है, और एक तो ये हो सकता है कि नेवला इसके पीछे लगाओ, क्योंकि सर्दी हो रही है, सर्दी में इसको धरती पर जगह चाहिए छुपने के लिए, ना कि पेड़ पे। ये स्पेशल कोबरा जिसको गाय का खुर भोले का वो बता दो, देखिए फोटो खींच लो भाई, चलो दिखाता खुर स्माइल दिख रही है पूरी, इस्माइल की चक्कर तेरी आगे। सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया, कुछ फुटबॉलर हैं, कुछ बॉक्सर हैं, भैया पता नहीं कैसे चढ़ गया आगे किसी गाड़ी के ऊपर से। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप को चुने एक्सपर्ट को दे, वन विभाग को दे, हमें दे, ऐसा कोई काम ना करे जी आपको या आपके प्रयोग खतरा हो। ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरा फोटो शूट करा रहा है भैया, ये तो दसने का नाम ही नहीं लिया इसने अभी तक, बच्चा है डस्ट तो लेगा भाई, अगर उसको उसके तरीके से नहीं पकड़ोगे तो। ठीक, 35-40 सेकंड बाद मुझे काटने की कोशिश करेगा ये, पक्का। बोलो, मेरा नाम कुणाल है, मैं यहाँ पे काफी टाइम से बॉक्सिंग सिखाता हूँ, और मैंने यहाँ रिसेंटली प्रैक्टिस करते हुए देखा कि यहाँ पर एक कोबरा सांप जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, तो हमारे भैया है, इन्होंने देखा, इन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने डोईवाले से पहले भैया को बुलाया, उन्होंने आगे काफ़ी अच्छे से हमें सेव किया और सांप को पकड़ा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सांप पकड़ा और हम सबकी जान बचाई। साथियों देखिए, अभी जुड़े में आप देखेंगे कि मेरे द्वारा कैसे उसको सुरक्षित पकड़ा गया, पेड़ पर था, छोटे छोटे बच्चे खेलने वाले बच्चे थे, यदि मैं समय पर ना पहुँचता उसको मार सकते थे, क्योंकि उन बच्चों को भी बना डर था, उनके जो पेरेंट हैं माता पिता उनको भी, वो कल अपने बच्चों को ना भेजते वहाँ खेलने, भाई बॉक्सिंग बॉक्सिंग प्ले वो फील्ड है वहाँ पर, वॉलीबॉल की फील्ड है, और काफ़ी डरावा सा माहौल था, और हमें स्कूल की बाउंड्री टाप के जाना पड़ा क्योंकि चाबी हमारे पास नहीं थी, और एक इस सांप की जान बचाने का जज्बा हमारे अंदर था जिसे हम सुरक्षित पकड़ कर ले आए, क्योंकि इस समय तो इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको सुबह छोड़ा जाएगा। आप ये देखिए कि खतरा कितना बड़ा होता है सांप को पकड़ने और छोड़ने में, ऐसा आप कोई काम ना करें जिससे आपको या आपके परिवार को खतरा हो। देखिए जाम यहाँ पर लगा हुआ है, ये कोबरा नाग है, काट ले तो आप किसी झाड़ फूक के चक्कर ना पड़े, आप सीधा
अस्पताल में जाएं, क्योंकि इसका इलाज अस्पताल में है, झाड़ फूक में नहीं। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको या आपके खतरा हो। धन्यवाद।